हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज हम ईटिंग डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे या उसके बारे में समझेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी एक टाइप का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है या इलनेस है, जिसमें फूड को लेकर और बॉडी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन। ईटिंग डिसऑर्डर्स आर अ रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल कंडीशंस दैट कॉज अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स टू डेवलप। ईटिंग डिसऑर्डर्स एक ऐसे टाइप के साइकोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं जो कि रिप्रेस्ड फीलिंग, स्ट्रेस या कोई प्री ऑक्यूपेशन, किसी पर्टिकुलर टाइप के थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स के वजह से जो पर्सन रहता है वो एक अनहेल्दी ईटिंग हैबिट को डेवलप कर लेता है, जिसको हम ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। एक और डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स आर मेंटल हेल्थ कंडीशन मार्क बाय एन ऑब्सेशन विद फूड और बॉडी शेप। ईटिंग डिसऑर्डर्स ऐसे टाइप के मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं जो कि जिसमें जो पर्सन रहता है उसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है या तो फूड से या तो अपनी बॉडी इमेज से। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी। ये मोस्टली एडोलेसेंट्स को और यंग वुमेन को अफेक्ट करता है। मोस्टली फीमेल्स में कॉमन है ये ज़्यादा। 13% जो यूथ होते हैं एक स्टडी के अकॉर्डिंग वो एटलीस्ट एक डिसऑर्डर का सामना करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं बाय द टाइम दे रीच 20 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट है एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसके अकॉर्डिंग, जेनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो ट्विन्स होते हैं उनमें 50% हायर रिस्क होता है ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप करने का। फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स, तीन टाइप के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनमें जो रिस्क होता है ईटिंग डिसऑर्डर का वो ज़्यादा कॉमन होता है। फर्स्ट है न्यूरोटिसिज्म, फिर नेक्स्ट है परफेक्शनिज्म और फिर इम्पल्स। न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मूडी होना, या एक पर्सन जो जिसका जिसमें बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं या मूड शिफ्ट्स होते हैं, बहुत जल्दी वरी करते हैं, फियर होता है उनको, एंगर बहुत जल्दी आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, जेलस होता है, गिल्ट होता है, या तो डिप्रेस्ड मूड होता है, या वो बहुत लोनली फील करते हैं। ऐसे जो ट्रेट्स होते हैं उनको न्यूरोटिसिज्म बोलते हैं। फिर परफेक्शनिज्म, हर चीज़ परफेक्ट और ऑर्डरलीनेस में चाहिए, जो हर चीज़ में परफेक्शन डिज़ायर करते हैं, उस टाइप के पर्सनालिटी ट्रेट को परफेक्शनिज्म बोलते हैं। फिर इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एक्ट करना, या ऐसे एक्शंस के बारे में सोचना बिना सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, दैट इज़ इम्पल्सिविटी। फिर कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी लीड कर सकते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स को, जैसे कि साइकोलॉजिकल इश्यूज या कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, या ऐसे इश्यूज जो होते, ऐसे आइडियल्स जो सोसाइटी या फैमिली मेम्बर्स किसी के दिमाग में भर देते हैं जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि मास और मीडिया का इफ़ेक्ट। जो लोग मीडिया में या किसी ऐसे प्रोफेशन है जैसे मॉडलिंग में, एक्टिंग में, वो लोग स्किनी बॉडी को लेकर या बॉडी शेप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं जिसकी वजह से वो ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं। फिर वेस्टर्न कल्चर और फिटनेस, जो कि लोगों को फिटनेस की तरफ प्रमोट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे इट कैन लीड टू इधर बुलीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा या कोई प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर को वो लीड कर सकता है। फिर बहुत फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो कई बारी बहुत ज़्यादा प्रेशर या फोकस डालते हैं पर्टिकुलर बॉडी शेप में होने के लिए या फूड को लेकर, और कुछ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जिसको लेकर कि ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। फिर ब्रेन बायोलॉजी, ब्रेन बायोलॉजी जो बायोलॉजिकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन उन पेशेंट्स में देखा गया है जिनको ईटिंग डिसऑर्डर है। पर इसको एग्जैक्टली कंक्लूड करना कि हर ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट में डोपामिन या सेरोटोनिन का लेवल एबनॉर्मल रहता है, ये कह पाना मुश्किल है। पर जो मोस्टली पेशेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, उनमें डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल एबनॉर्मल होता है। फिर कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फैमिली में डिस्टरबेंस, चाइल्ड अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़, सोसाइटी और फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर होना, पीयर प्रेशर होना फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, जो कि ईटिंग डिसऑर्डर को लीड कर सकता है।
फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। तीन मेन टाइप की ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बाइंज ईटिंग डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि विच इज़ कैरेक्टराइज बाय लो बॉडी वेट, बहुत ही कम बॉडी वेट रहता है, फूड रेस्ट्रिक्शन होता है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में फूड लेते हैं, और जो मेन फैक्टर इसका दैट इज़ फियर ऑफ गेनिंग वेट। उनको फियर रहता है, प्री ऑक्यूपेशन रहता है इस डर का कि उनका वेट बढ़ जाएगा, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है पतला होने का, तो या थिन होने का बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहता है। इस टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। टाइप्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ रिस्ट्रिक्टिव एंड सेकेंड इज़ पर्जिंग। रिस्ट्रिक्टिव, बहुत रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग पैटर्न होता है, बहुत कम अमाउंट में वो खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, सेल्फ स्टारवेशन करते हैं, मतलब खुद को भूखा रखते हैं और सेल्फ स्टार्व करते हैं बहुत ही थिन होने के लिए। अगर वो किसी को पार्टी होस्ट कर रहे हैं या बहुत सारा खाना भी बना रहे हैं तो खुद भूखे रहेंगे, दूसरों को खिलाएंगे, खुद को स्टार्व करते हैं वो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ गेनिंग वेट। फिर उसके बाद पर्जिंग, पर्जिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फोर्सफुली बाहर निकालना या वॉमिट आउट करना, दैट इज़ पर्जिंग। तो पर्जिंग में क्या होता है, या तो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में पर्सन खाता है या फिर बाइंज ईटिंग करता है, उसके बाद फिर वो उसको पर्ज आउट करने की कोशिश करता है। ऐसे पेशेंट्स में वॉमिटिंग और लैक्सेटिव अब्यूज़ देखा जाता है, वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं, पहले खा लेते हैं फिर उसके बाद उसको पूरा वॉमिट आउट करते हैं इस डर से कि कहीं खाने की वजह से उनका वेट बढ़ ना जाए। तो इस डर से वो जो भी खाते हैं उसको तुरंत या तो वॉमिट आउट कर देते हैं या लैक्सेटिव का यूज़ करके उसको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो दो टाइप के एनोरेक्सिया नर्वोसा है, रिस्ट्रिक्टिव टाइप एंड पर्जिंग टाइप। फिर क्लिनिकल फीचर्स, इसमें बहुत ही इंटेंस फियर होता है ओबेज होने का, अंडरवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरवेट होते हैं और डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज रहती है, मतलब जो आइडियल वेट एक नॉर्मल वेट है उससे भी 15% कम उनका बॉडी वेट होता है जो लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफ़र कर रहे हैं। साथ ही उनकी बॉडी इमेज बहुत ही डिस्टॉर्टेड होती है, बहुत ही ज़्यादा स्किनी और बोनी दिखते हैं ऐसे पेशेंट्स, कोई प्रॉपर बॉडी का शेप नहीं रहता, बोन्स पूरी क्लियरली दिखती हैं और एक अजीब सा डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होता है, रिंकल्स दिखते हैं फेसेस पे, आईज पूरी संकन होती है। तो ऐसी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज हमें एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट में देखने को मिलती है। उनका ईटिंग पैटर्न जो होता है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव होता है, बहुत कम अमाउंट में एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं और सेल्फ स्टार्वेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं थिन होने के लिए, और हेल्दी वेट मेंटेन करना वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, वो हमेशा थिन रहना ही चाहते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है उन्हें कोल्ड के लिए, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो होती है उसकी वो बहुत डिले हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, हार्ट रेट लो रहता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है और एमेनोरिया हो सकता है। एमेनोरिया मतलब सडन स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। फिर इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव का यूज़ कर रहे हैं और सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी भी हो सकती है। फिर हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट इन सोशल फंक्शनिंग भी हो सकता है। ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं जब वो खुद को आईने में देखते भी हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा थिन और स्किनी होते हैं और एक डिस्टॉर्टेड इमेज होता है, फिर भी उनको ये फील होता है कि उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई भी उनको कितना भी समझा ले या उन्हें कितना भी रीअश्योर करवाया जाए कि वो अंडर वेट है और उन्हें वेट गेन करने की ज़रूरत है, फिर भी वो इस बात से एग्री नहीं करते। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ या क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ हो सकती है, ईसोफेजियल अल्सर या इरोजन हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियोवास्कुलर इलनेस हो सकता है। फिर डायग्नोसिस, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करते हैं, ईसीजी रीडिंग देखते हैं और डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब और डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि पहले से कोई मेंटल डिसऑर्डर या कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है या कोई साइकोलॉजिकल इलनेस तो नहीं है जिसकी वजह से ये एज अ सेकेंडरी डिसऑर्डर डेवलप हुआ है। फिर ट्रीटमेंट में फार्माकोथेरेपी,
में न्यूरोलेप्टिक्स देते हैं, एपेटाइट स्टिमुलेंट्स देते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स से जो भी डिप्रेसिव सिम्टम्स पेशेंट में देखते हैं वो रिलीव हो जाते हैं। फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं, जिसमें से पहला है इंडिविजुअल थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी और फैमिली थेरेपी दी जाती है। जो कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी होता है वो बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स जो कि ईटिंग डिसऑर्डर को लीड कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करता है और एक स्ट्रैटेजीज प्लान करता है ताकि वो बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाए। बिहेवियरल थेरेपी में बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिलीव्स को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। और इंडिविजुअल थेरेपी एक टॉक थेरेपी होती है जो कि जिसमें कि कोपिंग मैकेनिज्म सिखाया जाता है। जो भी अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीफ है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कोई लाइफ चेंजेस, सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस है या कोई सोशल प्रॉब्लम है, उसको वर्बलाइज करें और उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फिर फैमिली थेरेपी, अगर पीयर प्रेशर या फैमिली के प्रेशर या उनके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस और बिलीव्स के वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फैमिली थेरेपी भी दी जाती है। फिर नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा इज़ कैरेक्टराइज बाय बाइंज ईटिंग फॉलोड बाय फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, ह्यूमिलिएशन, डिप्रेशन एंड सेल्फ कंडेमनेशन। बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें बाइंज ईटिंग करता है, मतलब बहुत सारा खाना खा लेता है नॉर्मल से भी ज़्यादा, और फिर उसके बाद उनको गिल्ट होता है, ह्यूमिलिएशन की फीलिंग होती है और उसको सोच सोच के वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और सेल्फ कंडेमनेशन का बिहेवियर शो करते हैं और वो फिर कंपेंसेटरी मेजर्स करते हैं कि जो खाया है उसको या जो एक्स्ट्रा खाया है उसको बाहर निकाला जाए। क्लिनिकल फीचर्स, फ्रीक्वेंट बाइंजिंग करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। फिर सीवियर केसेस में एक से ज़्यादा बाइंजिंग एपिसोड्स होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बाइंजिंग एपिसोड्स होने लगते हैं एक ही दिन में। कंपेंसेटरी मेजर्स करते हैं वेट गेन को प्रिवेंट करने के लिए, या तो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करेंगे या लैक्सेटिव्स का यूज़ करेंगे। पर जो इनका बॉडी वेट होता है, जैसे हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखा कि सीवियरली अंडरवेट होते हैं, 15% से भी कम होता है नॉर्मल वेट से भी, 15% कम वेट होता है पेशेंट का। और लेकिन बुलिमिया नर्वोसा में या तो नॉर्मल वेट के होते हैं या स्लाइटली ओवरवेट होते हैं ड्यू टू सेवरल बाइंजिंग एपिसोड सीवियर केसेस में। नहीं तो यूजुअली जो बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट्स रहते हैं उनमें वेट नॉर्मल रहता है। परसिस्टेंट सोर थ्रोट या हार्ट बर्न होते हैं या डेंटल इश्यूज होते हैं ड्यू टू एसिडिटी और बार बार वॉमिटिंग इंड्यूस करने की वजह से। जब खाते हैं तब उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है खाने पे, वो एक साथ बाइंज कर लेते हैं जब उनका खाने का मन करता है, फिर उसके बाद उन्हें गिल्ट होता है, शेम फील होता है और ह्यूमिलिएशन फील होता है। एब्डोमिनल और एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकते हैं और फिर एमेनोरिया भी हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ गिल्ट होता है ऐसे पेशेंट्स में, इम्पल्स कंट्रोल बहुत ही पुअर होता है, टॉलरेंस लेवल बहुत कम होता है और ईजिली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक पेक्यूलियर ईटिंग हैबिट्स होती है, वो उसी को फॉलो करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करती है। पेक्यूलियर मतलब नॉर्मल से अलग, एकदम स्ट्रेंज बिहेवियर होता है उनका ईटिंग हैबिट्स को लेकर। एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज रेजिमेन करते हैं वो वेट गेन को प्रिवेंट करने के लिए, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, बार बार अपना वेट चेक करते रहते हैं, कई बार दिन में भी बहुत बार अपना वेट चेक करते रहते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से और जो भी डेली डे टू डे यूजुअल एक्टिविटीज़ है उससे वो विड्रॉ कर लेते हैं फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट की वजह से। और वेट गेन करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अपने उनकी सेल्फ इमेज के बारे में लोग क्या सोचेंगे, इस फियर के वजह से वो खुद को फ्रेंड से और फैमिली से और यूजुअल एक्टिविटी से विड्रॉ कर लेते हैं। फिर डायग्नोसिस में मेडिकल इवैल्यूएशन करते हैं कि कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन या मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है या हार्मोनल इश्यूज़ के वजह से कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं कि कोई प्री एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है या स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की बाइंजिंग एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए और किस वजह से हो रहा है, क्या एग्जिस्टिंग फैक्टर है, पहले से किसी को है फैमिली में, ये सब जानने के लिए हिस्ट्री लेते हैं। फिर उसके बाद लैब टेस्ट करते हैं, लैब लेबोरेटरी टेस्ट जिसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड ग्लूकोज और बेसलाइन ब्लड टेस्ट किया जाता है।
और बेसलाइन ECG भी किया जाता है हार्ट फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए। फिर कॉम्प्लिकेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, डेंटल इश्यूज हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और जो ऐसे पेशेंट्स रहते हैं वो इतना ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड होते हैं वेट गेनिंग के थॉट से और गिल्ट या फिर बाइंजिंग के गिल्ट से, वो इतने ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि उनमें सुइसाइड और साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का एब्यूज़ का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी देते हैं, जिसमें से बेस्ट जो साइकोथेरेपी होती है वो है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी, क्योंकि वो इस ईटिंग बिहेवियर ईटिंग डिसऑर्डर के पीछे की नेगेटिव फीलिंग्स और बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करती है और उसको रिजॉल्व करने की या इम्प्रूव करने की स्ट्रैटेजीज़ को पुट फॉरवर्ड करती है और पेशेंट की हेल्प करती है, या तो थेरेपिस्ट या फिर सेल्फ हेल्प फॉर्मेट से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। फिर TCAs और SSRIs दे सकते हैं अगर सेरोटोनिन लेवल में कोई चेंजेस या अबनॉर्मैलिटी दिख रही हैं और उस वजह से हो रहा है, तो TCS और SSRI भी दे सकते हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स को सबसाइड करने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है और अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिस्क है, सुसाइडल थॉट्स हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ चला गया है, तो हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बाइंज ईटिंग डिसऑर्डर, इसे BED भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बाइंज ईटिंग डिसऑर्डर इज़ कैरेक्टराइज बाई रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ अनकंट्रोल्ड इनटेक ऑफ अनयूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। पहला बात कि अनकंट्रोल्ड इनटेक होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है, और दूसरा अनयूजुअली लार्ज अमाउंट, नॉर्मल से कहीं ज़्यादा अमाउंट में वो फूड का कंजम्पशन करते हैं और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। फिर उसके बाद उन्हें गिल्ट होता है, शेम होता है और डिस्ट्रेस होता है। क्लिनिकल फीचर्स, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रैपिडली खाते हैं, बहुत शॉर्ट इंटरवल में फ्रीक्वेंट मील्स और अनकंट्रोलेबली लार्ज अमाउंट ऑफ मील्स वो कंज्यूम करते हैं और तब तक खाते रहते हैं जब तक अनकंफर्टेबली वो फुल ना हो जाए, जब तक उनका पेट दर्द ना देने लगे या और अंदर ना जाए तब तक वो खाते रहते हैं। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड खाते हैं जबकि उनको भूख भी नहीं लगती है, हंग्री फील नहीं करते हैं, फिर भी वो फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में खाते रहते हैं। अकेले खाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों के सामने वो खाएंगे इतना सारा, तो एम्बैरेसमेंट और शेम की फीलिंग की वजह से वो हमेशा अकेले बैठकर खाते हैं। गिल्ट और डिसगस्ट फील होता है उन्हें, फीलिंग्स गिल्ट बाद जब बहुत ज़्यादा बाइंज ईटिंग कर लेते हैं उसके बाद गिल्ट की और डिसगस्ट की फीलिंग्स उनके अंदर आने लगती है। ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं उनका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होता है। फिर नेक्स्ट है हेल्थ रिस्क। हेल्थ रिस्क बाइंज ईटिंग की वजह से ओबेसिटी हो सकती है, ऑब्वियसली वेट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट ओवरवेट होगा और ओबेसिटी की वजह से हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, क्रॉनिक पेन और सीवियर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से PCOS और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डायग्नोसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स जो कि अपीयर हो रहे हैं, जिसमें से ये तीन मेन सिम्टम्स में से एटलीस्ट एक सिम्टम होना ज़रूरी होता है। BED को डायग्नोस करने के लिए एक एपिसोड बाइंज ईटिंग का पर वीक होना बहुत ज़रूरी होता है 3 मंथ्स तक। इसके साथ पेशेंट ओबेस होना चाहिए और उसके अंदर गिल्ट होना चाहिए बाइंज ईटिंग के साथ, और जो बाइंज ईटिंग के एपिसोड्स हैं वो रोज़ होना, एटलीस्ट एक एपिसोड होगा एक हफ्ते में 3 महीने तक कंटिन्यू। अगर इतना हो रहा है तो हम उसे बाइंज ईटिंग डायग्नोस कर सकते हैं, और साथ ही में 14 एपिसोड से ज़्यादा अगर एक वीक में हो रहा है तो सीवियर बाइंज ईटिंग डिसऑर्डर उसे डायग्नोस किया जाता है। फिर नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी फोकस करता है ऑन आइडेंटिफाइंग द नेगेटिव फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट कॉज बाइंज ईटिंग और हेल्प करता है टू पुट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजीज इन प्लेस टू इम्प्रूव देम। जो बाइंज ईटिंग डिसऑर्डर का मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है दैट इज़ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी। फिर है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट बाइंज ईटिंग इज़ अ कोपिंग मैकेनिज़म। इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी के अकॉर्डिंग जो बाइंज ईटिंग है वो एक
तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है अगर पेशेंट के अंदर कोई अनरिजॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स है, तो उससे कोप अप करने के लिए वो बाइंड ईटिंग करते हैं टू अवॉइड द थॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज, जैसे कि ग्रीफ है, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, या ब्रेकअप, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, या कोई सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस हो गए हैं, कोई सोशल प्रॉब्लम्स अंडरगो कर रहा है। तो इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो पेशेंट्स रहते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम का जो एक कोपिंग मैकेनिज्म है, दैट इज़ बाइंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो जो गोल रहता है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रॉब्लम कि किस वजह से ईटिंग बिहेवियर हो रहा है, उसे एक्नॉलेज करना और फिर कंस्ट्रक्टिव चेंजेस करना विद इन 12 to 16 weeks, दैट इज़ इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। फिर डाइलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी सीज बाइंड ईटिंग डिसऑर्डर एज अ रिस्पॉन्स टू नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। जो डेली लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लगातार पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स होता है बाइंड ईटिंग, ऐसा डाइलेक्टिकल थ्योरी कहती है। और फिर ये टेक्निक्स का यूज़ करती है, जैसे माइंडफुलनेस, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस और डाइवर्जनल थेरेपीज, ताकि वो लोगों को, इनका प्रायोरिटी होता है इमोशन से कोप कराना, सिखाना। जब वो इमोशन से कोप करते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं, तो अपने आप बाइंडिंग ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद है वेट लॉस थेरेपी देते हैं, एक डाइट चार्ट देते हैं जिसे मेंटेन करना होता है, जिसके ताकि वो बाइंडिंग को अवॉइड कर सकें। कुछ छोटे थोड़ा बहुत नट्स या फ्रूट्स हैंडफुल रख लें, तो भी जब भी बाइंडिंग की इच्छा हो तो थोड़ा नट खा लिया, फिर ऐसे करके उनको एक पूरा वेट लॉस चार्ट दिया जाता है और एक वेट लॉस थेरेपी दी जाती है एक्सरसाइज और डाइट की, जिससे कि उनका वेट लॉस हो सके। और साथ में एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड और डिसगस्ट फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो उन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स दिया जाता है। और सुसाइडल आइडिएशंस होते हैं, तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड मेजर्स लेना होता है। और साथ में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट इश्यूज है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, तो उसका ट्रीटमेंट करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर। 3 मेन टाइप के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ ईटिंग होता है और पेशेंट अंडर वेट होता है और प्री ऑक्यूपाइड होता है विद द थॉट ऑफ बीइंग थिन। फिर बुलेमिया नर्वोसा, जिसमें एपिसोड्स ऑफ बाइंड ईटिंग होती है फॉलोड बाय गिल्ट, शेम एंड कंपेंसेटरी मेजर्स टू पर्ज आउट द फूड। कंपेंसेटरी मेजर्स करते हैं वो फूड को बाहर निकालने के लिए, ताकि उनका वेट ना बढ़े। जो बुलेमिया नर्वोसा के पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल होते हैं या स्लाइटली ओवरवेट होते हैं इन सीवियर केसेस। फिर है बाइंड ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं, वो भी विदाउट बीइंग हंग्री वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड कंज्यूम करते हैं, और ये पेशेंट्स बहुत ही ज़्यादा ओबेस या ओवरवेट होते हैं।